वेलकम बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस रेसिपी। पिछले दोनों पार्ट्स के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। फाइनली दही विस्क हो गई है। रायता बनाने से पहले हम अपनी बिरयानी को दम में पकने के लिए छोड़ देते हैं। सेम पैन में जो वेजिटेबल्स बची थी उस पर राइस की लेयरिंग करेंगे। इवेनली लेयरिंग करके डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बनाया हुआ झोल, थोड़े से ब्राउन अनियंस, थोड़ी सी मिंट लीव्स। अब लेयरिंग करेंगे बची हुई वेजिटेबल्स की और राइस की। फाइनली ऊपर से बचा हुआ झोल, ब्राउन अनियंस और थोड़ी सी मिंट लीव्स। अब पैन के एजेस को इस तरह से गूंदे हुए आटे का रोल बना के कवर कर लेंगे। अब ऊपर से ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए दम में पकने देंगे। फ्लेम को 2 मिनट के लिए हाई कर लें। जब स्टीम बनने लगे तो फ्लेम को लो कर दें। अगर आपकी कढ़ाई या पैन का बेस हल्का है तो इसको एक तवे के ऊपर रख के तब दम के लिए छोड़ें। जब तक बिरयानी बन रही है फटाफट से रायता बना लेते हैं। बुरानी रायता। 1 कप दही लेंगे, उसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लें। अब देंगे इसमें स्मोकी फ्लेवर। 1 कटोरी में 3 से 4 कबाब चीनी डालें, सुलगा हुआ चारकोल का पीस डालें, ऊपर से 1 टेबलस्पून देसी घी। इसको तुरंत ढक दें। सारे फ्लेवर्स दही एब्जॉर्ब कर लेगी। 15 मिनट हो गए हैं और बिरयानी हमारी रेडी है। बिरयानी से क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। अब धीरे धीरे हल्के हाथ से बिरयानी को खोल लेंगे। कितने अच्छे कलर्स आए हैं देखिए। तो मैं तो चली इसे एंजॉय करने। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।